नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड का जो कॉलेज अलाटमेंट है वो क्यों नहीं अभी रिजल्ट आया है, अभी तक कॉलेज क्यों अलाट नहीं किया गया है, इतनी देरी क्यों हो रही है। जहाँ तक बात करें यहाँ के शेड्यूल के हिसाब से तो 24 नवम्बर कब तक में जो है इसका अलाटमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है इस पर हम बात करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या देरी हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन एक आया हुआ है। ये देखिए, नंबर वन पे दे रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम रैंक 1 to 50,000 है बीन एक्सटेंडेड टू टिल 6 PM ऑन नवंबर 23, यानी कि 23 नवंबर 2020 तक इसकी जो है रजिस्ट्रेशन करने की डेट को बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे शेड्यूल में क्या दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 22 नवंबर 2020 तक ही थी, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में नया भी नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे 23 नवंबर यानी एक दिन बढ़ा के और उसको शाम को 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कर दिया गया है। इस वजह से आप यानी यहाँ पे एक दिन बढ़ गया है, इस वजह से काउंसलिंग का जो सीट अलाटमेंट है वो भी नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि आज रात में या फिर सुबह तक ये अलाटमेंट आ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो काउंसलिंग के लिए एक दिन बढ़ाया गया है तो इस वजह से यहाँ पे एक दिन ये अलाटमेंट में भी ले सकता है, इस वजह से अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं आया है। देखिए, अभी यहाँ पे हम लॉगिन भी हैं, यहाँ पे अभी वही कॉलेज दिखा रहा है जो आपने चॉइस फील्ड में किया है। जब आ जाएगा तो यहाँ पे कॉलेज ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि आप ये कॉलेज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, आई एम कन्फर्म मुझे कॉलेज लेना है, अदरवाइज आप वहाँ पे नो कर देंगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपका इंतज़ार भी अब बहुत इंतज़ार हम भी किए हैं, कल रात से ही हम परेशान हैं। 12 बजे के बाद सब तक मैं उनसे 50 बार लॉग इन करके देख चुका हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ आज रात में आ जाएगा, रात में जैसे ही आएगा या फिर किसी भी टाइम जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत लाइव दिखाएंगे कैसे क्या क्या उसमें करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे आपको कॉलेज लॉक करने का कैसे, मतलब सॉरी कॉलेज लॉक नहीं, कॉलेज अलाट वाला वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद फिर अगला वीडियो रहेंगे हम, जिसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है कॉलेज में, ये सब रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स जाके पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो, वैसे तो हम सारे कमेंट का आपको जवाब देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ मैं बहुत जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो आए, क्योंकि बहुत हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ही रिजल्ट काउंसलिंग का अलाट हो।